अब हम देख रहे हैं CNS को, यानी कि हमने ब्रेन को अलग अलग तीन हिस्सों में बांट दिया, CNS, PNS और ANS। तो पहले CNS को ले लेते हैं। CNS में हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड को बाद में पढ़ लेंगे, पहले पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन को तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि आम भाषा में आगे ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन। मेडिकल टर्म में प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, सेफ्रॉन का मतलब ये है ब्रेन। सेफ्रॉन वर्ड जब भी आएगा तो समझ लेंगे ब्रेन से रिलेटेड है। तो प्रोसोन सेफ्रॉन यानी कि आगे वाला ब्रेन, मेसन सेफ्रॉन बीच वाला ब्रेन, रोम्बोन सेफ्रॉन यानी कि आगे वाला ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन है ना, तो आगे बीच और पीछे वाला। अब नियोथेरेपी में मेसन सेफ्रॉन एक पॉइंट है, यानी कि मेसन सेफ्रॉन पॉइंट हम इसको दे रहे हैं मिड ब्रेन को दे दीजिए। आजकल बहुत बड़ी थेरेपी इस पर चलते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसको बोलते हैं तीसरा नेत्र खुल जाना। यानी कि अगर किसी का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाए तो वो बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है ना, वो आंखें बंद करके कुछ भी पढ़ सकता है। आजकल आपने सुना होगा कि बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराइए, जबकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपको पट्टी बांधकर चीजें पढ़ लेते हैं, तो वो मिड ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, मैसेज सेफ्रॉन को। तो ऐसे ही हम नहीं करते, क्योंकि हम नेचुरल ट्रीटमेंट, हम किसी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम बीमारी पर काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पर नहीं करेंगे भाई उसको आंखें बंद करके कैसे पढ़ेगा, तो हम इस पर काम नहीं करेंगे और इसको कोई बीमारी भी नहीं होती है ज्यादा। फोर ब्रेन में चार ब्रेन है, यानी कि चार हिस्से हैं ब्रेन के। इस आगे वाले हिस्से को थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और बेसल गैंग्लिया। सेरेब्रम इस पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरे ब्रेन का खोपड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सेरेब्रम है। इसके फंक्शन पढ़ेंगे, बेसल गैंग्लिया के फंक्शन पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के फंक्शन हमने पढ़े हैं एंडोक्राइन में, है ना, और इसका छोटा भाई इसके ऊपर आता है थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों एक साथ है। कोकी हाइपो का मतलब कम, यानी कि इसके बाद में इसका नंबर आता है, इसलिए बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब हमने लगभग समझ लिया है। सेरेब्रम का फंक्शन यहां पढ़ेंगे और बेसल गैंग्लिया का पढ़ेंगे। जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। मिड ब्रेन के लिए न्यूरोथेरेपी में हमारा एक पॉइंट है जो हम देते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है हिंड ब्रेन, इसमें कोऑर्डिनेशन वाला काम ज्यादा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंट्रोल वाली चीजें, पॉन्स हमारी बैलेंसिंग के लिए काम करता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। सेरेबेलम हमारी बैलेंसिंग में काम करता है। मेडुला ओलोंगेटा यानी कि वो बीच का रास्ता जहां से सारी नर्व होकर गुजरेंगी, वो मेडुला ओलोंगेटा है। तो जब हमारे इन तीनों का फंक्शन पढ़ लेंगे तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे के बारे में एक पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारा ब्रेन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में, यानी कि इस वाले हिस्से के बारे में, ठीक।